हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ अपने चैनल महालक्ष्मी ब्यूटी पार्लर में। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें मैं आपको अपने मांग में सिंदूर भरने का तरीका बता रही हूँ, किस तरीके से अपनी मांग में अब से सिंदूर इस तरीके से भरे कि काफ़ी टाइम तक वो रह जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमने सबसे पहले फ्रंट पार्टिंग कर ली है और अब पार्टीशन करके दो पार्टीशन हमने कर लिए हैं। देखिए इस तरीके से हमने दो पार्टीशन किए हैं और इसमें हमने बिल्कुल इक्वल मांग अपने निकालनी है। जैसे आप लगाते हो साइड सिंदूर लगाते हो तो साइड कर लीजिए और फ्रंट करते हो लगाते हो तो फ्रंट में कर लीजिए। तो इस तरीके से ये देखिए हमने पार्टीशन किया है। और हल्की सी आपके पास जो मॉइस्चराइज़र क्रीम हो वो आप ले लीजिए, कोई सी भी कंपनी की आपके पास हो तो वो ले लीजिए हल्की सी। ये देखिए इतनी सी आपने लेनी है और फिंगर्स टिप्स पर लेके हल्की सी इस तरीके से अपनी मांग में पहले लगा लेना है। तो हल्की सी इसकी मसाज हम कर देंगे। जहाँ तक आप सिंदूर लगाते हैं आप वहाँ तक ले सकते हैं, मैं सिर्फ इतना लगाती हूँ। तो मैंने इतना हल्का सा आपको दिखाने के लिए सिर्फ इतना लगाया है। तो इसके ऊपर अब हम लगाएंगे सिंदूर। तो आपको मैं बता दूँ, हल्की सी पहले आपने मसाज ज़रूर कर लेनी है। पूरा आप मेरी वीडियो पूरी लास्ट तक देखिए तो आपको पता लगेगा। ये देखिए, ये मेरा ड्राई जो सिंदूर होता है वो है जो हम मांग में लेडी से भरती हैं अक्सर। इस तरीके से हमने ये अपनी मांग में सिंदूर भर लिया है, ये देखिए। और जितना भी आपने लगाना है उतने आप अच्छे से, कम लगाते हैं तो कम भर सकते हैं, ज़्यादा लगाते हैं तो ज़्यादा। तो ये शेड मुझे अच्छा लगता है। अगर आप जैसा भी आपको शेड पसंद है आप उसी तरीके की शेड में लगा सकते हैं। ये मुझे शेड पसंद है तो मैंने इसी शेड का आपको दिखाया है। ये देखिए, ये हमारी मांग भर चुकी है। अगर हमने मांग भर लिया है और हमको ये पूरी मांग नहीं दिखानी है और हमने साइड पार्टिंग करनी है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आप पूरा कवर कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमने जो हमारा लिक्विड है वो सिंदूर हमने लिया है और इसके ऊपर इस तरीके से हम आसानी से जो जो स्टिक है ये पहले हम अपने बालों को पीछे कवर करेंगे और जो हमारी स्टिक है उससे ही हम इसको पूरा ही भरेंगे। देखिए, अगर आप पूरे मांग निकाल कर चाहते हैं तो आप पूरी मांग निकाल कर भी ये काम कर सकते हैं। और मैं मांग निकालती नहीं हूँ तो इसलिए मैंने इस तरीके से भरती हूँ। और तो इसी यही तरीका मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, इससे हम शेप दे सकते हैं सिंदूर को। आप छोटी शेप में भरना चाहते हैं तो शेप छोटी में दे दीजिए और बड़ी में भरना चाहते हैं तो आप बड़ी शेप दे दीजिए। और इस तरीके से आप इसको काफ़ी टाइम तक, जो आपकी सिंदूर की टाइमिंग है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी और बहुत अच्छा भी लगेगा भरा हुआ, और काफ़ी टाइम तक ये आपके माथे पर टिका रहेगा। इस तरीके से देखिए, और जैसा भी आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से भर सकते हैं। तो मेरी वीडियो देखते रहिए और मुझे बताते रहिए आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट करते रहिए। और ये देखिए, इस तरीके से अब हम अपने जो हेयर हैं उसको पीछे बैक में ले जाएंगे और हल्का सा इस तरीके से क्लच लगा देंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा पोनीटेल वगैरह भी बहुत कम करती हूँ। तो ये हल्का सा हमने क्लच लगा दिया है। अगर आपको ये देखिए नहीं उतरा है, और ये मेरी फिंगर्स पे जो हल्का सा लगा है ये मेरा पहले ही लगा हुआ था तो ये नहीं उतरा, ये इस तरीके से फिक्स हो जाएगा। और हल्की सी साइड पार्टिंग अगर आपने देनी है तो आप इस तरीके से दे सकते हैं, आपकी मांग भी बढ़ जाएगी और आपको ओवर भी नहीं लगेगा। तो और ये मांग का जो सिंदूर भरने का तरीका है ये आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग तरीका हो गया और इससे आपका जो सिंदूर बह जाता है तो गर्मी वगैरह में तो वो नहीं बहेगा। तो काफ़ी हद तक आपको इससे सिंदूर बहने की उससे हेल्पफुल है। तो बाय, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी वीडियो। बाय।